पाकिस्तान में 11 विपक्षी दलों के गठबंधन पीडीएम ने गुंजरावाला और कराची के बाद बलूचिस्तान प्रांत की राजधानी क्वेटा में से तीसरी रैली की। इस दौरान वहां वीडियो लिंक के जरिए पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने लंदन पाक से और आईएसआई पर आरोप लगाए। वहीं क्वेटा में मरियम नवाज ने कहा कि पीडीएम बलूचिस्तान के साथ न्याय करेगा। विपक्ष ने कहा इमरान का सूरज डूबने वाला है। वहीं दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने कहा कि जनरल बाजवा आपको 2018 में हुए चुनाव रिकॉर्ड धांधली के लिए जवाब देना होगा। वहीं आईएसआई प्रमुख पर भी कई वर्षों तक राजनीति में दखल का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा मुझे बलूचों की तकलीफों का पता है, वहां के लापता पीड़ितों का दर्द मुझे भी है। और उधर शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।